अब क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास गिवन क्या है, रेडियस है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। इसमें भी हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, अच्छा कोन हमारा जो होता है राइट सर्कुलर कोन, ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है, यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है, यहाँ तक की हाइट पूरी, ठीक है ना, वो कितनी दे रखी है हमारे को, वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और इसका जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर। अब 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वेयर, आर कितना है 3.5 इंटू हाइट कितनी है 12, तो ये ले लोगे आप 12। अब देखो ध्यान से, यहाँ लिख सकते हैं 1/3 इंटू 22/7 इंटू में, इसका डेसिमल हटा देंगे, इसका डेसिमल हटाएंगे तो ये हो गया 35/10 इंटू 35/10 और इंटू में 12। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 3 से कैंसिल हो जाएगा 12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, अब जो बच गया उनको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपके पास आ गया 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 4, राइट, 10 10 जा 100। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो या इन सबको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दो। तो हम पहले करते हैं मल्टीप्लाई, 22 5 जा 110, 110 और 35 4 जा 140, 140। इसको मल्टीप्लाई करोगे 0 0, ये 00 आ जाएगा, 14 1 जा 14 4, कैरी 1, 14 1 जा 14 प्लस 1 15, 15 4 0 0, 15 4 0 0 अपॉन में 100। और ये जो है हमारा किस में था, सेंटीमीटर में था, तो क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के क्यूब, यहाँ 00 से 00 ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया 154 सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया।